लेकिन कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव जो है इसको क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है और उसके ख्याल में मज़हब का रोल जो है वो कॉन्फ्लिक्ट राइज करने में होता है लोगों के दरम्या जो है वो एक डिवीजन पैदा करने में होता है और उनके जो कम्पीटिंग बिलीव्स और प्रैक्टिस हैं उनके अंदर पोटेंशियल इनक्वालिटीज़ प्रोड्यूस करना होता है सो रिलीजियस इंस्टीट्यूशनस कैन री इनफोर्स सोशल इनवालिटीज़ बाई प्रमोटिंग सर्टन बिलीफ्स एंड प्रैक्टिस दैट फेवर द डोमिनेंट ग्रुप्स तो चूँकि इसमें यह है कि एक ग्रुप जो है वो डोमिनेंट पोजीशन के ऊपर होता है पावरफुल पोजीशन के ऊपर होता है जो कि दूसरे ग्रुप का कंटिन्यूसली इस्तेसाल करता रहता है तो इसी वजह से वो देखते हैं कि मज़हब को जो है वो भी यूज़ किया जाता है एक्सप्लॉइट किया जाता है मजहबी अकायद के ज़रिए उनको हमेशा उस सबऑर्डीनेटिड पोजीशन के ऊपर रखा जाता है कार्ल मार्क्स हुआज़ द फेमस प्रोपोनेंट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्टस्पेक्टिव हो यूज़ टू सेट रिलीजन इज़ एन ऑपियम फॉर द मैसेज यानी आवाम के लिए मज़ब जो है वो एक अफ्यून की तरह होता है और जैसे कि हम आ, किसी भी नशा करने वाले को देखते हैं कि वो जूँ ही एक डोज़ ले लेता है तो उसके बाद जो है अपने इर्द गिर्द के हालात वाक़ात से बेखबर हो के बेसुत पड़ा रहता है इसी तरह से जो मजहबी अकायद हैं वो भी शायद लोगों के ऊपर लोगों के ज़हनों के ऊपर जो है इस तरह का असर डालते हैं ताकि वो अपने इर्द गिर्द जो एलीट क्लास का ऑपरेशन होता है जो डोमिनेटिंग क्लास का ऑपरेशन होता है उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से ना देख सकें और हमेशा अपने हालात वाक़ात को किस्मत या तकदीर के तनाजर में देखते रहें तो ये बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है जिसमें जो रोल ऑफ रिलीजन है उसको क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है और इसमें जो जिम्मेदार ठहराया जाता है वो उस एलिट या डोमिनेटिंग क्लास को ठहराया जाता है जिसमें कि वो कहते हैं कि जो रिलीजियस क्लर्जी होती है जो मजहबी तबका होता है वो भी जो है उस एलिट क्लास का ही हिस्सा होता है और उसी को फेवर करने के लिए इस तरह के अकायद व नजरियात का प्रचार करता है रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स कैन आल्सो अरज़ व्हेन इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स यूज़ रिलीजन टू जस्टिफाई वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट दी अदर पीपल तो चूँकि डिस्क्रिमिनेशन uh, हो रही होती है अगेंस्ट दी अदर पीपल मजहबी अकायद के अंदर मौजूद कुछ ऐसे नज़रियात होते हैं जिनकी वजह से कुछ मजाब के लोग जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो टॉलरेटिंग एटीट्यूड के अंदर नहीं होते बल्कि कॉन्फ्लिक्ट एटीच्यूड के अंदर होते हैं तो जो ख़ास तौर पर जो इंट्रस्ट ग्रुप होते हैं माशरों के अंदर जैसे इकनॉमिक इंट्रस्ट के ग्रुप्स होते हैं वैसे ही पोलिटिकल इंटरेस्ट के इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं तो पोलिटिकल इंटरेस्ट ग्रुप्स जो हैं वो इस तरह के जो रिलीजियस डाइवर्सिटी है उसको अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए एक्सप्लॉइट करते हैं पाकिस्तान से अगर हम एग्जांपल लें तो जो ऑन गोइंग सेक्टेरियन वायलेंस है अनफॉर्चुनेटली बिटवीन सुन्नी एंड शिया मुस्लिम्स इट रिफ्लेक्ट्स दैट द कॉन्फ्लिक्ट दैट कैन अरइज़ व्हेन डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स हैव द कंपीटिंग बिलीफ सिस्टम्स तो चूँकि बिलीफ सिस्टम्स के अंदर जो है वो कंपैटिबिलिटी नहीं होती है लोग एक दूसरे से नजरियाती अखिलात रखते हैं तो इसी वजह से ये समझा जाता है कि ये जो वायलेंस की मेजर कॉज है ये या जो कॉन्फ्लिक्ट है ये दो ग्रुप्स के जो कम्पीटिंग या कॉन्फ्लिक्टिंग बिलीफ सिस्टम्स हैं उनकी वजह से हैं एंड द रोल ऑफ रिलीजन इन द लीगल सिस्टम इन पाकिस्तान हैज़ ऑल्सो बीन क्रिटिसाइज फॉर री द सोशल इनिकवालिटीज़ पर्टिकुलरली विद रिगार्ड टू द ट्रीटमेंट ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज़ फ़ॉर एग्ज़ाम्पल द मिस यूज़ ऑफ बलासमी लॉज इन पाकिस्तान हैज़ लेट टू कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस अगेंस्ट इंडिविजुअल हु आर एक्व ऑफ इंसल्टिंग इस्लाम तो इस हवाले से चौके बलासमी लॉज जो हैं वो मिस यूज़ भी होते हैं तो इस हवाले से भी जो कॉन्फ्लिक्टस्पेक्टिव है ये एक क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू रखता है कि क्या इस तरह के लॉज जो हैं किसी भी कंट्री के अंदर वो लोगों के दरम्या सोशल कोहिजन का बायस बन सकते हैं या कॉन्फ्लिक्ट का बास बन सकते हैं हाउएवर जो इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो ओबियसली uh, जो ब्लास्फेमी लॉज हैं दीज आर द मस्ट फॉर एनी सोसाइटी और इसको हम अगर फंक्शनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो डेफिनेटली दे आर परफॉर्मिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी पर्टनेंट फंक्शन फॉर द लाइफ आइडियोलॉजी ऑफ द मुस्लिम्स ऑन द अदर हैंड इट्स अ फूड फॉर थॉट फॉर यू कि आप देखें कि कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तानी माशरे के अंदर जो रिलीजियस डाइवर्सिटी है वो किस तरह से डिफरेंट कॉन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज़ प्रोड्यूस करती है